सिंह की फिल्म पवन पुत्र की शूटिंग इन दिनों लखनऊ में चल रही है और लखनऊ में आजकल भोजपुरी की कई फिल्मों की शूटिंग चल रही है। खैर, आगे हम आपको क्या नया बताने वाले हैं? नया ये बताने वाले हैं कि पवन सिंह की फिल्म पवन पुत्र के सेट पर अचानक से धमक पड़ी उनकी पत्नी ज्योति सिंह। जी हाँ, बताया जा रहा है ज्योति सिंह को देखकर सभी वहां सरप्राइज हो गए। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह को सरप्राइज देने के लिए ही ज्योति सिंह वहां अचानक से पहुंची थी और फिर उन्होंने वहां अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, पूरी शूटिंग का मजा लिया और जब पैकअप हुआ तो पवन सिंह के साथ डायरेक्ट वो होटल चली गई। आपको बता दें कि पवन सिंह इन दिनों लखनऊ के एक आलीशान होटल में रह रहे हैं। वैसे आपको यहाँ ये बता दें कि आजकल पवन सिंह की नजदीकियां प्रियंका रेवड़ी के साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई हैं। प्रियंका रेवड़ी पंजाबी फिल्मों की एक्ट्रेस हैं और पवन पुत्र की लीड हीरोइन हैं। प्रियंका को आप जय हिंद की सक्सेस पार्टी में भी पवन सिंह के साथ देख सकते हैं और साथ ही साथ उनको एक म्यूजिक एल्बम में भी पवन सिंह के साथ आपने देखा होगा जो कि नवरात्रि में आया था। वैसे प्रियंका रेवड़ी पंजाबी फिल्मों की एक्ट्रेस हैं, इसलिए भोजपुरी बोलने में उन्हें काफी परेशानी होती है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए पवन सिंह हाजिर रहते हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि सेट पर पवन सिंह कुछ ज्यादा ही कोऑपरेटिव रहते हैं प्रियंका रेवड़ी के साथ। वैसे भाई हीरो हीरोइन में केमिस्ट्री जबरदस्त रहेगी तभी तो उसका असर फिल्मी पर्दे पर दिखेगा। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह के साथ साथ ज्योति सिंह प्रियंका रेवड़ी के साथ भी बात करते हुए पवन पुत्र के सेट पर नजर आईं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।